प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसके बाद पूरे ब्रज में विरोध चलना शुरू हो गया। पहले दौर की पंचायत में प्रदीप मिश्रा को माफी के लिए कहा गया था, परंतु कथावाचक के द्वारा विरोध को हल्के में लिया गया। इसके बाद एक महापंचायत का आयोजन किया गया। ये महापंचायत मानपुर में स्थित राम मंडप में किए यज्ञ, जहां पूरे ब्रज के प्रमुख संत पहुंचे और उन्होंने एक सुर में विरोध किया। शास्त्री महाराजी क्या जिन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर एकदम निंदनीय अशास्त्रीय वक्तव्य दिया, हालांकि वो 14 वर्ष पुराना वक्तव्य है जो आज हाईलाइट हुआ। उस वक्तव्य का पता लगने पर जब विरोध किया गया ब्रजवासियों द्वारा, तो उन्होंने धर्म शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि मैं प्रामाणिक बात करता हूँ, यानी कि गलती अपराध पाप करने के बाद भी स्वीकारा नहीं। तब जा करके हम लोगों ने इसका और ज़्यादा विरोध किया और शास्त्रों के प्रमाण भी सामने रखे। जब शास्त्रों के प्रमाण सामने रखे, उसके बाद उसने इतना गलत वक्तव्य दे करके ब्रजवासियों को अपशब्द अभद्र शब्द कहे, तो महापंचायत के द्वारा ये निर्णय लिया जा रहा है कि जब तक झुकेगा नहीं तब तक ब्रज में घुसेगा नहीं। ये निर्णय यहाँ पर लिया गया, और झुकना भी केवल यहाँ पर आकर के नाक रगड़े, माफी मांगे और यह स्वीकारे कि मेरी मति मारी गई, मैंने अशास्त्रीय वक्तव्य दिया है, उसके लिए क्षमा मांगे, तब जाकर के किशोरी जी कृपा करें, तब जाकर के उसे ब्रज में प्रवेश मिल सकता है, नहीं तो ब्रज में प्रवेश संभव नहीं है। और इसकी संत समाज ब्रजवासी घोर निंदा करते हैं, जब तक राधा रानी के दरबार में नाक निकल के माफी नहीं मांग लेते ब्रज में प्रवेश सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है, और इस व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रणाम करना ये गलत है, निंदनीय है, और समस्त ब्रजवासी समस्त लोगों में रोष है। राष्ट्रपति सभी ज्ञापन किया जाएगा और काशी विद्यापीठ